तो दोस्तों, क्या आप भी यूक्रेन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट यूक्रेन। देखिए क्या है ना दोस्तों, कि रशिया और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में यूक्रेन फेमस हो चुका है, लेकिन अब तक आप सिर्फ यूक्रेन देश का नाम ही जान रहे हैं, उसके खासियतों को नहीं। इसलिए आज हम आपको इस खूबसूरत देश के ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे कि एक बार तो वहां जाने के लिए आपका दिल जरूर मचल उठेगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो फिर बिना देरी किए हुए फटाफट से चलते हैं यूक्रेन के इस खूबसूरत सफर पर। आपको शायद इस बात की जानकारी हो कि यूक्रेन कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन क्या है ना दोस्तों कि साल 1990 यानी कि 1990 में यूक्रेन ने खुद को सोवियत संघ से अलग कर लिया। और दोस्तों, इस तरह से यूक्रेन दुनिया भर में अपनी खास पहचान बनाने में जुट गया। और यहाँ पर एक जानकारी मैं और दे दूं कि यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक यूक्रेन रशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की 70% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 30% आबादी गाँव में रहती है। वैसे तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ की आबादी काफी कम है। बावजूद इसके किसी भी यूरोपीय देशों से तकनीक के मामले में यूक्रेन कम नहीं है। तो वहीं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यूक्रेन की आबादी का एक बड़ा भाग खेती पर निर्भर है। और बता दूं कि यूक्रेन में खेती करना गर्व की बात होती है, और यहाँ खेती करके लोग अच्छी खासी कमाई भी करते हैं। और दोस्तों, आज आप ये जान लीजिए कि इसलिए खेती के मामले में इस देश का दुनिया भर में तीसरा स्थान है। तो वहीं टेक्नोलॉजी की बात करें तो युद्ध के माहौल को देखते हुए दुनिया भर में रूस से यूक्रेन की तुलना की जाती रही है। देखिए क्या है ना दोस्तों कि ऐसे में इतना तो पता चल ही गया है कि रूस की तरह यूक्रेन भी परमाणु हथियारों के मामले में टॉप पर है। और इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि परमाणु हथियार रखने के मामले में यूक्रेन पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूक्रेन की राजधानी कीव है, जो कि कई दिलचस्प चीजों से भरा पड़ा है। यहां की सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां की मेट्रो लाइन है, जो पूरी दुनिया भर की सबसे गहरी जगह पर बनी हुई है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि के इस मेट्रो लाइन का नाम है श्वितोशिंको ब्रोवोशार्का ट्रेन लाइन, जो जमीन से लगभग 105.5 मीटर गहराई में चलती है, और इसके ज्यादातर रेलवे स्टेशन इतने ही नीचे बने हुए हैं। इसके अलावा यूक्रेन जहाज बनाने के मामले में भी पूरी दुनिया में टॉप पर है। इसी देश के नाम पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। और दोस्तों, क्या है ना कि यूक्रेन न सिर्फ यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, बल्कि सैन्य बल रखने के मामले में भी यूरोप के देशों में यूक्रेन रूस के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि हर दूसरा नागरिक सेना में जाने की ख्वाहिश रखता है। यहाँ पर स्कूल से ही बच्चों को सेना में जाने के लिए प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, और देश के प्रति वफादार बनने की सीख दी जाती है। इतना ही नहीं, यूक्रेन अपने यहाँ मौजूद खूबसूरत किलों के लिए भी पूरी दुनिया में फेमस है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस देश में आपको करीब 500 किले देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से कमियानेट्स पोरोल्स्की यूक्रेन के सबसे खूबसूरत महलों में से एक है। और दोस्तों, इस बेमिसाल खूबसूरती से भरे महल को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं। बस आप इतना जान लीजिए कि इस महल के अलावा भी यूक्रेन में कई फेमस महल मौजूद हैं और घूमने के ये जगह भी है। और दोस्तों, इन सब के अलावा अगर यूक्रेन की रीति रिवाज की बात करें ना, तो यहाँ पर अंगूठी को लेकर एक प्रथा बाकी देशों से इसे काफी अलग बनाती है। एक्चुअल में क्या है ना दोस्तों कि दूसरे देशों में जहाँ अंगूठी बाएं हाथ में पहनाई जाती है, वहीं यूक्रेन में दाएं हाथ में अंगूठी पहनाने का रिवाज है। वहीं अगर यूक्रेन में धर्मों को मानने वाले लोगों की बात करें ना, तो यहाँ पर ईसाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है, और इसके अलावा मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूक्रेन का शिक्षा स्तर भी आपको इम्प्रेस करने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ की 98.8 यानी कि 98.8% आबादी शिक्षित है। और दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि मेडिकल एजुकेशन के मामले में यूक्रेन इन दिनों पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और दोस्तों, इतना तो आप जान ही चुके होंगे कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा सबसे सस्ती है। तो वहीं इस देश के लोग खाने पीने के मामले में भी काफी ज्यादा शौकीन हैं। और दोस्तों, यहां पर दुनिया के 3 सबसे ज्यादा बिजी मैग्डी मौजूद हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें से एक मैग्डी तो पूरी दुनिया के टॉप 5 मैग्डी में शामिल है। तो वहीं WHO की माने तो शराब खपत करने के मामले में भी यूक्रेन दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद चलिए अब यूक्रेन
देश की सीमाओं की बात कर लेते हैं। यूक्रेन की सीमाएं स्लोवाकिया, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया, पूरब में रूस, उत्तर में बेलारूस, मोल्दोवा, दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से मिलती हैं। और दोस्तों, यूक्रेन से दिल्ली की दूरी 5000 किलोमीटर है, तो अगर आप दिल्ली से बाय फ्लाइट यूक्रेन जाएंगे तो आपको सिर्फ 5 घंटे लगेंगे। और दोस्तों, यूक्रेन की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि यहां की लड़कियां काफी ज्यादा खूबसूरत होती हैं और अपना लाइफ पार्टनर चुनने के लिए पूरी तरह से आजाद रहती हैं और वो बिना किसी रोक टोक के डेटिंग भी कर सकती हैं। तो वहीं यूक्रेन के लोग काफी ज्यादा ऊर्जावान और तेज तर्रार होते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ और नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए सलाम, दुआ, वरकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।